हमारे पास जाकिर भैया का नंबर आया, फेसबुक वेसबुक पे बात हो रही थी, तब ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने रिप्लाई अप्लाई किया। तब पहली बार मैं और जाकिर भैया एक्टिवा में मिले थे खजराना पे, ठीक है, तब 2016 नहीं था तो वो वीडियो बाहर नहीं आया था, 2015 का शो है। ओके। और मैंने 2014 के एंड में अपने लाइफ का पहली बार सौरभ पंत के लिए शो ओपन किया था, विच वॉज इन 78 बुलेवार्ड। तो वो भी मेरे कॉलेज के ऐसा है कि दिस ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे कॉलेज के गेट है, सामने वृंदावन है, और अगर मेरा कॉलेज ऐसे मुड़ेगा ना तो ये 78 बुलेवार्ड है, यहीं पे शो होते हैं। 150 सीटर वेन्यू है वो, ठीक है, वहां पर शो किया था मैंने एक, फिर उसके बाद C21 में कैलिप्सो था, वहां गया मैं जाकिर भैया को दिखाया कि भैया ये देखो कितनी सही कॉपी करता हूँ आपके मैं उनको दिखा रहा हूँ वीडियो लिटरली ब्रो, एंड द काइंड मैन वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं इम्प्रोव में इधर उधर किधर चले जा रहा हूँ इम्प्रोवाइज करते हुए। और जब मैंने जो इम्प्रोवाइज किया ना, क्योंकि उन्हें तो उनका पता ही है ना कि ये सब तो मेरी जोक्स है, लेकिन द मोमेंट आई वेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड आई वॉज ऑफ स्क्रिप्ट फॉर गुड 30-35 seconds, ही डिड लाइक इट, he did tell me ki I like your style though, man I was a 20-year-old kid, yeah. he never had to say those things to me, aur mere liye to zakir khan already hai na bhai, kyunki main to 1200 seater auditorium mein teen baar se aapke chutkule maar raha hu, to mere ko to maloom hai work karta hai, unne choti jagah pe kiya hai, maine unse zyada badi jagah pe kar rakhe, unke liye to bhaiya bahut chalte hai, aur ek aur baat hai jo unhone mere se kahi thi tabhi, hum log 1.5 ghanta baithe, अब खैर वहां आ जाएंगे वो तो बात ही खत्म हो जाएगी पूरी, जा ही नहीं पाएंगे वो उन सब जगहों पे, सॉरी यार जहां मैं गया था उनके साथ। खैर तो उन्होंने एक चीज बोली कि यार बात करते रहना, फोन लगाते रहना, होगा ऐसा कभी कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, पर ऐसा मत समझना कि मैं खराब आदमी हूँ और मुझ में एटीट्यूड आ गया, थोड़ा चेज कर लेगा ना तो मैं उठा लूंगा, मतलब मेरे को लगता है कि भाई मैं आज इतना काइंड नहीं हो सकता किसी के लिए, जबकि मैं आज भी वो वाला जाकिर भी नहीं हूँ जो वो 2016 के पहले थे, क्योंकि भाई 2016 के पहले ऐसा नहीं कि उनके वीडियोस नहीं थे, उनके 10-12 वीडियोस थे तब, और 4-4, 5-5 लाख पे थे वो, तो जब आप कुछ ओवर द टॉप हो जाते हैं तब आप उसको मानते हो ना कि भाई ये तो सेंसेशन हो चुका है। देवांश जब स्टैंड अप कॉमेडी का वैसा बूम नहीं आया था तब मार्केट में कुछ नहीं, तब उतने व्यूज थे, तब बूम आने के बाद आप देख लो ना 10-50 टाइम्स है वो, अब काफी ज्यादा है यार, अब तो हाँ यार दूसरा लेवल ही है, सही बात है। तो जाकिर के साथ यू परफॉर्म्ड हाँ लाइक ओपन, हाँ भाई फिर तो मतलब बात ही खत्म हो गई, वो तो बात बोनी हो गई, ओपन करना तो बात बोनी हो गई ना भाई, फिर क्योंकि मतलब यार मेरे को ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर वो मेरे को उस दिन के बाद मिलते ही नहीं जिंदगी में कभी भी, तू भी बहुत दे दिया यार, लेकिन ही मेड श्योर कि ही केप्ट इन टच, ही मेड श्योर that I still don't do anything wrong, which मेरे को ऐसा लग रहा है जो तूने कह रहा है दिवाश कुछ ये शक्ल देख के लग रहा है कि let's open that door, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, अरे मेरे को ना भाई मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ भाई, मतलब मैं आपको देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो देखो वो तो पता ही है उसको, मैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठा हूँ इसके साथ, चलो नहीं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कॉमेडी की वजह से कभी कोई ऐसा इशू आया है दूसरी बार ही देखा होगा अपने कैमरा में, और मैं अपने बारे में नहीं इसके बारे में बात करते हुए देख रहा हूँ अपने कैमरा में, ये हम दोनों बच्चे हैं, हम दोनों के हम 5 लड़के बच्चे भाई, जस्ट बिकॉज वी यूज टू गेट अप ऑन स्टेज एंड आर डायरेक्टर ऑफ द स्कूल यूज टू थिंक दैट वी यूज टू ब्रिंग ग्लोरी टू द स्कूल बाय परफॉर्मिंग गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, डजंट मैटर वी विन और वी लूज, बट मोस्टली वी मेक पीपल लाफ, एंड वी मेक पीपल लाफ, गुड थिंग ओनली ना, या एंड वी मेक अदर पेरेंट्स फील गुड दैट दीस किड्स आर ऑल्सो इन हियर, जबकि टीचर को बुरा लग रहा है दीस किड्स आर इन हियर, काफी यार उन सारी चीजों में हमने काफी, बट एट द सेम टाइम देवांश हमने कॉमेडी के टाइम पे एडवांटेज भी बहुत उठाया था, द थिंग्स वी वर डूइंग सपोज टू डू इन स्कूल्स, मतलब
जितने भी बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे जाके परफॉर्म करते थे हम लोग, राइट। सो एक बार हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया और हम लोग गोल्ड मेडल जीत गए थे, फर्स्ट हम लोग हमारा। हम लोग वापस आए, हमारे स्कूल में ना एक नया ऑडिटोरियम बन रहा था, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका। तो हमने सोचा यार यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे और उस ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ नहीं था। Which was to happen 2 days later and Juhi Chawla उसका सेरेमनी करने वाली थी, राइट। हम चार पांच लड़के हम चढ़ गए स्टेज पे और हमारा सेलिब्रेशन डांस कर रहे हैं। दिस एसो लाइक दिस गाय अनुराग दत्ता, हेलो फगाय, उसने क्या किया, उसने ये वीडियो लिया और उसने सोचा कि तब फेसबुक वाज अ थिंग, राइट। उसने मतलब फेसबुक पे डाला था, वाज द थिंग, या एग्जैक्टली, उसने फेसबुक पे डाला तो ठीक है, उसने एडवांस एकेडमी के ऑफिशियल पेज को भी टैग कर दिया उसने। मुझे लगा कि यार हमें अब हटाएंगे, पेरेंट्स को कॉल जाएगा। दिस रैंडम गाय सत्यम सेन, जो कि हमारा लाइक क्रेजी क्रेजी पर्सनालिटी, ही वाज लाइक प्रिंसिपल के सामने खड़ा होके कि सर मैं तो वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड लिया है, तो सर मुझसे 200 रुपए ले लो बस। तुझसे निगोशिएट कौन कर रहा है यहाँ पे, तुझे कब लगा कि निगोशिएशन है? तो मतलब ऐसे काफी केसेस हुए हमारे स्कूल में हमारे साथ। ये क्रेजी बंदा है यार, ये डूड, ही इज आल्सो एन आर्टिस्ट ब्रो, ही इज अ ड्रमर। ओ भाई, इज ही स्टिल प्लेइंग दो? या ही इज टूरिंग, ही इज प्लेइंग मैन, या। सो वो जैसे ही ये सब हुआ, लाइक यू स्टार्टेड लाइक ओपनिंग फॉर ज़ाकिर खान, एंड देन और कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे दैट यू मेट, एंड देन किसी ने कुछ ऐसा बोला दैट लाइक स्टेड विद यू, जैसे ज़ाकिर भाई का दैट थिंग स्टेड विद यू? यार एक्चुअली ना मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो भाई, मैंने ना तवज्जो देनी थोड़ी सी छोड़ दी, ये नहीं करना चाहिए था मेरे को। क्योंकि देखो यार अब ये थोड़ा मतलब मेरे को सैड नहीं करना, लेकिन अब वो भी रियलिटी है, तो मैं क्या करूं कि भाई आई एम अ सिंगल चाइल्ड, है ना, एंड और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में निकल गया कि माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो आई हैड अ न्यू स्कूल एवरी 2 years। तो ये वाक्य बोलने में ऐसे 7 सेकंड में खत्म हो जाता है भाई, पर अगर आप उसके अंदर उसको जीने में जाओगे ना, तो कुछ नहीं है भाई उसमें सिवाय लोनलीनेस के, आप समझ रहे हो। तो जब पहली बार मेरे को ऐसा कोई फिगर दिखा ना कि यार भैया वर्ड को इज इक्वल टू के आगे कुछ लगा सकता हूं मैं, कि मतलब मेरे भाई बहुत सारे, समझ रहे हो ना आप, कि अपनी एज के, हाँ। और वैसे मैं पहचानता बहुत लोग को, पर मैं पहचानता हूं बस, वही बात खत्म है। कि आई नो दे एग्जिस्ट, दे नो आई डू, और मैं मिलूंगा तो अच्छे से टाइम बिताऊंगा। पर बहुत मीनिंगलेस बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बस मीनिंगलेस वर्ड्स है मेरे लिए, क्योंकि मेरे कभी बने ही नहीं। तो व्हेन आई सॉ दैट इन हिम नो, आई सेड कि अब पता है क्या, मेरे को मालूम है मेरे को है ना ज्ञान देने वाले 2560 मिलेंगे, क्यों तुम ऐसा करना चाहिए, अच्छे से ऐसा करना चाहिए। एंड देन आल्सो एंड नाउ आल्सो आई रियलाइज कि यार पता है क्या, लोग अपना क्या कुछ देने को नहीं राजी होंगे अगर उन्हें पता चले कि यू शैल बी मेंटर्ड बाय दिस गाय, है ना। आई हैव हर्ड स्टोरीज मैन, पीपल आर विलिंग टू डू व्हाट नॉट टू लर्न फ्रॉम दीस गाइस, ऑफ कोर्स, है ना, पर ऐसा होता नहीं है। वो तो स्टार्स हैं भाई, कि अगर लिखा है कि मैं और ऋषभ मिलेंगे और हम लोग 11वीं में मिलेंगे ही सही, तो हमारे हाथ में ही नहीं है भाई कुछ। तो वैसा ही है कि मैंने ना तवज्जो देनी छोड़ दी कि मैं किसी और का क्यों सुनूं यार, एक आदमी मिल चुका है, वो मेरी इंडस्ट्री का बेस्ट काम कर रहा है, अगर वो है तो मैं क्यों ही सीख करूं फालतू की एडवाइस और इधर उधर, पर काम की जो लेती है वो ले लेता था मैं। तो इतना इन डेप्थ अगर जो कॉन्टेक्स्ट है कि इन डेप्थ किसी ने मेरे को कुछ ऐसा सा बोला हो जो मेरे को फील हो गया हो, ऐसा नहीं था। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट और कैसे ये जोक कैसे करा आपने, वो वाला जोक कैसे लिखा, हर अलग अलग आर्टिस्ट से कि यार वो वाला जोक बहुत तगड़ा था यार, और फिर अपने 3 सुना दिए, उन लोगों के साथ बहुत होता है। जैसे पता है तेरे को, लेटली भाई मेरे को जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड लगते हैं ना अपने, वो है विपुल गोयल, ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि उनके साथ पिछले
आठ शोज में हम लोग ने इतना चिल किया है ना, तो उन्होंने एक शो में तो उन्होंने बोला कि यार ये वाला शो तो मैंने रखा इसलिए देखो तुम लोगों के साथ चिल करूंगा भाई यार सब कुछ है ना इंस्टेंट चेंज हुआ। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, क्या विपुल गोयल से हमने चालू किया है आज। विपुल गोयल से हमने चालू किया, मैंने अभी बताया उनको कि विपुल गोयल इज द फर्स्ट आर्टिस्ट आई एवर सॉ परफॉर्मिंग लाइव आई एम इंदौर में। तो अभी चल गया रहा स्टैंड अप कॉमेडी में, क्या चल रहा है? बिकॉज़ आई नो कि इट्स अ साइड थिंग फॉर यू, राइट? नो, अभी तुमने बोला था लाइक मार्केटिंग में भी एडवर्टाइजमेंट के अलावा आई एम डूइंग दिस। नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो यार मैं ना एक्सप्लोर कर रहा हूं, मेरे को आती थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी। मैं बस हूँ भाई, मेरे को हंसाने में मजा आता है, वो बात कर रहा हूँ मैं तो बस। तो अभी क्या चल रहा है फिर? मैं स्टैंड अप फुल टाइम ही हूँ भाई। हाँ। और उसके अलावा ऐसा है कि जितना मेरे को रियलाइज हो गया है पैसा बहुत जरूरी है। मेरे को ये समझ में आया है कि आई वॉन्ट टू बी इन द बिजनेस ऑफ क्रिएशन भाई, कि मतलब इसका ये कि क्रिएशन के बिजनेस के अंदर ये भी आता है कि मैं एक स्केच लिख सकता हूँ विच इज फॉर डिजिटल, तो ऐसे कैमराज आएंगे उनसे कोई कोई शूट करेगा, पर लिखा मैं नहीं, मैं अगर जोक भी लिख रहा हूँ तो भी मैं पहले राइटर हूँ।